नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब विजन 2047 में हिस्सा लेने पहुंचे वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि आज का कार्यक्रम आने वाले वर्षों में पंजाब और देश की रूपरेखा तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है आज के इस कार्यक्रम में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी के ढांचे को तब्दील करने की बात की और कहा कि इससे पंजाब को 5 से 7 हजार करोड़ का घाटा पड़ रहा है। वहीं शहीद भगत सिंह को पाकिस्तान पंजाब की ओर से आतंकी बताए जाने पर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमें पड़ोसी देश से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पंजाब के अंदर कि खेत्र के अंदर होर तरक्की करने की लोड़ आ, कितने तरक्की हो चुकी है, कितने होर करने की लोड़ आ, वह सारिया एक फ्रूटफुल डिस्कशन की शुरुआत हुई आ। सो मैं सानी साहब का धन्यवाद करना चाहना गा और सारे जेडे अज साथी शामिल हो। मैं अब बड़ी खुशी आ कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जेडे साडे स्टूडेंट ने गे वह बड़ी गिणती के अंदर इस भाग लै रहे हैं और अपने भविख बारे वह गल सुननी चाहता नहीं कि साढ़े जो अज के असी लीडर हाँ या साडे जिहड़े विद्वान ने प्रोफेसर ने वो की देना चाहते ने आने वाले समय च उस डिस्कशन के अंदर वो भाग लेना लै रहे ने, डिस्कशन सुन रहे ने। सो बहुत बड़ी गल है, बहुत अच्छी गल है। नहीं सैमीनारा के अंदर बहुत घट घट होंगे ने कि अज के सैमीनार की मैं बड़ी तसली आ कि सब तो ज्यादा घट जिहड़ा सी वो साडे स्टूडेंट बच्चों का सी। उधर चंडीगढ़ के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव का बयान सामने आया है। बता दें कि साइबर अपराधों को मद्देनजर रखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के अलग अलग कोनों में जो है सिटीजन रिव्यू सर्विस बॉक्स खोला गया है, जिसका पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उद्घाटन किया। इसके साथ साइबर अवेयरनेस कियोस्क का भी उद्घाटन किया गया है। ऐसा कदम चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा लिया गया है कि जिसमें प्रयास ये किया गया है कि पुलिस सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल अकाउंटेबल बनाया जा सके और साथ के साथ जो सुलभता से प्रोवाइड की जा सके। साइबर अपराध के बारे में 3 कियोस्क जो चंडीगढ़ में लगाए गए हैं, जो पहला चरण है, आगे उसी आवश्यकता के अनुसार अगर आवश्यकता हुई तो और ज्यादा संख्या में लगाए जाएंगे कि साइबर अपराध की सूचना समय पर दी जा सके, जो सूचना है उसके बारे में जागरूकता ज्यादा बढ़ाई जा सके। साथ के साथ थानों में और ट्रैफिक सेवाएं हैं और बाकी जो चंडीगढ़ पुलिस की इकाई है वहां पर भी क्यूआर बेस्ड जो सिटीजन रिव्यू सिस्टम जो शुरू किया जाएगा कि जिसमें हम नागरिक जो है उनके फीडबैक के आधार पर हमारी सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके और जिसमें आवश्यकता पड़े वहां पर सुधार भी किया जा सके। पंजाब विजन 2047 कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने आम आदमी क्लिनिक का नाम बदलने की बात कहते हुए कहा कि जहां केंद्र सरकार और पंजाब की 60 से 40 की हिस्सेदारी है वहां नाम बदल दिए जाएंगे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की क्लिनिक डिस्पेंसरियों में खुल गए हैं वो स्वास्थ्य केंद्र नहीं बदले जाएंगे। साथ ही पंजाब पर बढ़ते कर्ज के बारे में बात करते हुए डॉक्टर बलवीर सिंह ने बोलने से इनकार कर दिया। जिहड़ी के बेस्ड हैगी आ एजुकेशन हैल्थ और इंपलायमेंट, इस तों सिवाय जिहड़ियां लोकां नूं जनतक सुविधावां देना उहदे बारे जिहड़ा विचार वटांदरा करके पहलां तुहाडे जिहड़ा भी कोई आइडिया हुंदा पहलां कोई ना कोई बंदा उहनूं कंसीव करदा, जिवें साडे नैशनल कन्वीनर साहब ने हैल्थ बारे सोचा, एजुकेशन बारे सोचा, फिर मनीष सिसोदिया जी ने, सतेंद्र जैन जी ने उहनूं इक जिहड़ा हैगा प्रैक्टिकल जामा पहनाया, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ।
जिला बठिंडा के गांव रायके कला में पुलिस और किसानों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पिछले दिन ही किसानों ने उनका दफ्तर और घर घेर कर जो है उनके साथ मीटिंग की थी, जिस दौरान किसानों को उन्होंने हर मंडी में से धान उठाने का भरोसा दिया था और किसानों को अलग अलग मंडियों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई थी कि किस मंडी में से कितना धान अब तक उठाया जा चुका है और कितना बाकी है। डिप्टी कमिश्नर ने माना कि एक दो मंडियों को छोड़कर बाकी मंडियों में बिना किसी रुकावट के काम चल रहा है और हर मंडी में लिफ्टिंग के साथ साथ धान की खरीद भी की जा रही है। जिले जी मैं गल करा, थानू याद होएगा कि कुछ दिन पहला किसान ने मेरे दफ्तर नू भी घेरिया सीगा, ते उस दिन भी मैं इन्हां नू सारी डिटेल्स पिछले सीजन ते इस सीजन दा सारा मिला के दिता सी। हुण या तां बंदा उन फिगर्स ते विश्वास करे, ते आपां उन्हां नू ये भी कहा सीगा कि थानू आपां हर एक मंडी दे हर एक किसान दी जिहदा आपां चोना चुकिया है, परचेज होई है, लिफ्टिंग होई है, उहदा डिटेल भी दे देने आ। जे थानू कोई एतराज है कि तुसीं ये कहंदे हो कि ये फिगर्स जिहड़ी हैगी आ सही नहीं है, उहदे ते भी उह गलती नहीं आए। उस तो बाद जो है दो दिन बाद खुद ही धरना चुका के चले गए। मैं ये समझ नहीं आता कि जदों पिछले साल से इस साल के सीजन बठिंडा जिले एटलीस्ट मैं थोड़ा दस देव कि मैं थोड़ा डेली की फिगर्स दस सकता, डेली के फिगर्स भी डिटेल सारी शेयर कर सकता क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम है। यह पिंड रहके कला दाणा मंडी का इशू सीगा, जिस फूड इंस्पैक्टर वालों मौके के उपर जाके बोली लगाने संबंधी किसान जथेबंदी वालों कुछ इशू हो गया सीगा, जिद मॉइस्चर को लेकर कुछ उन्होंने जरा इशू चल रहा है। सो किसान जथेबंदी वालों जो फूड इंस्पैक्टर उन्होंने मौके के उपर बंदी बना लिया सगा। इस तो बाद साढ़े वालों जिला प्रशासन वालों नायब सीला की ड्यूटी लगाई गई थी, एस एच ओ संगत ने जाके उन्होंने छुड़ाने की जो कोशिश की, तो फूड इंस्पैक्टर के नाल नायब सीलदार भी मौके के उपर उन्होंने बंदी बना लिया। इस तो बाद साढ़े वालों डी एस पी दिहाती डी एस पी हैडक्वाटर साड़ी पुलिस फोर्स ने जाके उन्होंने गलबात राही उन्होंने उतों कढ़ने की कोशिश की, पर किसान जथेबंदी वाली असी इतने अड़े रह के असी इन्हों जो है इतों जान नहीं देना। इस तो बाद साढ़े वालों एस डी एम बठिंडा के नाल साड़ी पुलिस पार्टी ने जाके मौके के उपर जो उन्होंने उतों जाने की कोशिश की, तो जोड़े उत्तर किसान जथेबंद आगू से उन्होंने पुलिस पार्टी के उपर हमला कर दिता, जिसनों बचाव के साडे वालों भी जोड़ा है माइल्ड जो फोर्स यूज की गई है। खबर समाना से है, जहां छत से गिरने से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि समाना के रामगरी मोहल्ले में सुबह 10 साल का बच्चा इमरान खान अपनी छत पर खेल रहा था, वहीं इस हादसे के बाद बच्चे की मां का रो रोकर बुरा हाल हो गया। इसको लेकर डॉक्टर दीपक मोगा ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। छत से गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत की खबर है, जहां पर रामगरी मोहल्ले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि अस्पताल जाने से पहले ही बच्ची ने जो है दम तोड़ दिया था। तो 10 साल का बच्चा छत से गिरने की वजह से जो है मौत के मुंह में समा गया। समाना से खबर है, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। नहीं आया बच्चा, एक अंदाजन 10-12 साल का होएगा, इमरान खान करके नाम दस रहे हैं, कल्ले मदर ही नाल आए, बाकी आंढ़ी गुआंढ़ी नाल आए। उन्होंने अनुसार बच्चा छत पर खेल रहा है, सिर के बल नीचे गिर गया गलती नाल, ते साडे कोल आया तो ब्रोड डेड ही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी सी पहला ही, सर सिर ते लगी हुई है, उन्होंने जिन्होंने देखा उन्होंने अनुसार सिर के बल थले गिर गया गलती नाल खेलते हुए। हाँ 10-12 साल उम्र होगी, इमरान खान नाम है जिंदा, बाकी सारी डिटेल एक्चुअली उन्होंने घरदों ने बुलाया अस क्योंकि कल मदर इतने है बहुते दसन के हालत नहीं है।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी बरनाला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप सिंह ढिल्लो के पक्ष में विभिन्न स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। और इस मौके पर बातचीत करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का विस्तार साफ होने जा रहा है, लोग उनसे तंग आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हर व्यक्ति को न्याय मिला। आगे उन्होंने कहा कि बरनाला में कुलदीप सिंह ढिल्लो का किसी भी पार्टी या उम्मीदवार से कोई मुकाबला नहीं है, बड़ी बढ़त के साथ में हम जीत हासिल करेंगे। पूर्व सीएम चन्नी ने चुनाव प्रचार किया और इस दौरान जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी का जो है सफाया होने जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी बढ़त के साथ में जीत हासिल करेगी। अज मैं बरनाले दे विच आया ते लोकां दे विच बड़ा भारी उत्साह देखिया। मैं लोग कांग्रेस दियां काले ढिल्लो दियां प्रोग्रामां जिस तरह आ रहे जिस तरह ब्याह जा रहे होंदे ते मैं इह भी देखिया पता करिया आम आदमी पार्टी वालिआं दे ऐ जा रहे जिस तरह भूख फरजा रहे होंदे तां इहनां दा बिस्तरा गोल होण जा रहा है। आम आदमी पार्टी नूं लोग मूंह नहीं लगा रहे, लोग अक चुके हैं, लोग थक चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के टाइम दे विच लोगों नूं इंसाफ मिलता सी, अज शहरां दे विच हालात ये बने हुए हैं कि गैंगस्टरां दीआं धमकियां आ रही, एक्सटॉर्शन दे केस चल रहे, हर व्यापारी तो पैसे बटोरे जा रहे हैं, ठगियां हो रही हैं ते पुलिस सुनवाई कोई नहीं कर रही। देखो लोगों च बहुत ज़्यादा उत्साह चन्नी साहब नूं लैके भी बहुत जिहड़े लोग प्यार करते हैं। तुसीं अज मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखोगे बहुत सारे पत्रकार ने प्रोग्रामां दे विच शमूलियत की है। जिहड़ा मुकाबला जिवें चन्नी साहब ने तुहानूं कहा भी यह कांग्रेस के हक दे विच इक तरफा होने जा रहा है ते जिहड़ा तुहानूं अज दसी रहा जिथे भी तुसीं असीं जाणदे हां लोगों ने बहुत उत्साह से बहुत प्यार सीगा ते जिन्हां ने इत्थों जिहड़ा साडे कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम इत्थों दे पूरे आवाम है उन्हां ने साडी मुहिम नूं अपने मोढ़ियां ते रख के उहदी अगवाई करन लग गए। इस कमरे चोन लिया अपना उम्मीदवार बना के तुहाडे विच भेजिया। अज मैं तुहाडा बुजुर्गां दा अपने मोढ़ियां ते रख के मेरी महिमा पार्टी तुहाडे विच पा लांगे। मैं तुहानूं बेनती करदा स्वागत किया बड़े जोश के नाल लोग कट्ठे देखने मिल रहे मैं कोशिश करूंगा टाइम बहुत ज्यादा मैं दूजे पाकिस्तान। आज पूरे देश भर में 11 की जो है एकादशी खाटू श्याम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के तहत बरनाला श्याम भक्तों द्वारा एक विशाल निशान यात्रा पूरे शहर से निकलते हुए बरनाला श्री खाटू धाम मंदिर तक पहुंची। श्री खाटू श्याम का जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरे शहर में हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा का गुणगान गूंजता रहा। वहीं श्रद्धालुओं ने श्री श्याम खाटू के जन्मदिन पर एक दूसरे को बधाई दी। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को बधाई दी और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के भक्तों ने जो है बड़ी गूंज के साथ गुणगान किया। श्री खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। Happy
जो बरनाले की यह धरती है एक बहुत ही धार्मिक धरती है। लोग इत्थे बहुत ही सारे बरनाला वासी बहुत उत्साह के नाल खाटू श्याम जी का जन्मदिन अज मना रहे ने ते पूरे शहर के विच मैनूं बहुत खुशी हुंदी है कि बहुत उत्साह ते मैं सारे यही अरदास करदा कि आपां नूं सारिआं नूं खुशियां बख्शे तरक्कियां बख्शे ते सारी मनोकामनावां पूरियां होण। जय श्री श्याम। अज बाबा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य के मंदिर श्री खाटू श्याम महेश नगर बरनाला के बड़ी ही श्रद्धा भाव नाल हर साल यह जन्मदिन का उत्सव मनाने हैं। अज रात नूं ठीक 8:30 बजे बाबा का संकीर्तन शुरू होगा जिस दे विच साडे भैया राकेश राधे जी और लक्की बरवे डब्बा वाले तो बाबा का संकीर्तन आरंभ करनगे और बाबा का छप्पन भोग और बाबा का सुंदर श्रृंगार जो कि हर बार कलकत्ता से सुंदर सुंदर फूलों के द्वारा लगाया जाता है और हर साल ये प्रोग्राम बड़ी ही श्रद्धा भाव से कराया जाता है। श्री अचलेश्वर धाम के पवित्र सरोवर में एक निहंग सिंह ने अपना घोड़ा उतारकर उसको नहलाकर बेअदबी कर दी। इस दौरान जब मंदिर के सेवकों ने रोका तो निहंग सिंह ने सेवकों पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की। हैरानी की बात है कि मामले की जानकारी मिलने के बावजूद भी एसएचओ के सिवा कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, तो वहीं सरोवर की बेअदबी को लेकर हिंदू संगठनों में भी जो है भारी रोष देखा गया है। स्नान इस पवित्र सरोवर च असी हिंदू सिख भाईचारे के मुताबिक असी हजारों साल तो जिहड़ा मेला चलिया आ रहा स्नान कर रहे हैं। दो दिन पहला किसी शरारती अंसर ने पॉइजन ना भी कोई चीज पाती जिसे करके दो दिन जिमी सरोवर के मछली से मर गई। अजे उस जांच नूं लगे सारे डिस्टर्ब लगे सारी कमेटी लगी है। अज एक 11 बजे एक वारदात हो गई जिसे निहंग सिंह ने एक घोड़ा पवित्र सरोवर जिसे कि लोगों ने स्नान करना से नहाना शुरू करता है। खबर भवानीगढ़ से है जहां सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसके इलाके में जो है घने कोहरे के कारण चंडीगढ़ भटिंडा नेशनल हाईवे पर संगरूर से आ रही पीआरटीसी बस और डीएपी खाद से भरे ट्रक ट्रॉले के बीच जोरदार ट्रक टक्कर जो है यहां पर देखने को मिली है। दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद तेज धमाके से आसपास के लोग डर गए और घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में बस कंडक्टर समेत करीब आधा दर्जन यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा बल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। क्या हादसा क्या हुआ है? ये हादसा मैं गाड़ी घुमाने के लिए इधर ले रहा था आगे, तो आगे कोई और ठेला खड़ा था सब्जी का, ठीक है, तो उसके चक्कर में मैं तो खड़ा था। इधर से बस वाला आया और ब्रेक की टच नहीं किया, उसने अंदर डाल दी गाड़ी को। तो गलती क्या थी? वो बस वाला ज्यादा तेज था, बस वाला स्पीड में ही था, लास्ट 30-35 की स्पीड में था, लेकिन उसने ब्रेक टच नहीं किया तो तभी ये एक्सीडेंट हुआ। तो उसे दूर से गाड़ी नहीं दिखी भी गाड़ी क्रॉस कर रही है? अब वो बोल रहा है भाई मेरे को एकदम दिखी है गाड़ी, ठीक है। केड़े डिपू की बस है? सरू डिपू, ठीक है। की हादसा किदा होया भाई जी? धुंध के कारण भाई गड्डी रोड के विचाले बैक कर रहे थे, नहीं पता के अगे कर रहे थे, विचाले गड्डी खड़ी थी, ठीक है, तो कोई लाइट बत्ती चल रही थी, ठीक है, उसके कारण कुछ नहीं दिसा है, गड्डी च गड्डी टक्कर हो गई। धुंध किन्नी सी ब्रदर? बहुत ज्यादा सी, ठीक है। तो तुम देखा नहीं गए? कुछ नहीं दिस रहा जी, हूं भी धुंध बहुत ज्यादा। ना कोई रिफ्लैक्टर से? नहीं कुछ नहीं चल रहा जी, बत्ती चल रही, कुछ नहीं चल रहा जी। तो कितना बचत रहेगी सवारी? सवारी सारी बचत रहेगी, ठीक है। किन्नी सवारी सी बस? सवारी 7 सवारियां सी, ठीक है। परमजीत जी तुम भी बस के बीच सी? हां जी हां जी, ठीक है। की गलबात की हुई सी? एक्सीडेंट की बस ट्राला मुड़े हम मुड़दा सी, खाई ट्रक सी, खाई ट्राला सी, इन्होंने आप पता कनेक्टर, ठीक है जी, वो बच्चे बजी जाके बस, ठीक है।
ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਸੱਟਾ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਚਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚ ਲਾਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਫ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕੀ ਆ ਕਿਸੀ ਬੱਸ ਆਈ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧੁੰਦ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਦਸ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ, ਤਾਂ ਮੂਹਰੀ ਦਿੱਤਾ ਆਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲੋ ਚੱਲੋ। उधर MBBS मैनेजमेंट की मेजबानी में MBBS के इंदौर स्टेडियम के खेल मैदान पर 28वां अंतर CPSU वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बता दें कि MBBS के मुख्य अभियंता CP सिंह के नेतृत्व में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन BBMB के सदस्य पावर अभियंता जगजीत सिंह ने अन्य अधिकारियों के साथ दीप जलाकर किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि को सभी टीम के खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट की सलामी दी गई। टूर्नामेंट कराए जाते हैं। इस साल जो BBMB है जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। ये जो 28वां एंट्रेंस CPSU जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, यह 11, 12, 13 तरीक नएगा। टोटल जो 10 टीम ने जो भाग लिया है, जो कि अलग अलग पावर सैक्टर अज का जो उद्घाटन समारोह ओपनिंग सैरेमनी जरा प्रोग्राम सारा देखा है। टीम जी बहुत वधिया है, असीं इस बारी भी टूर्नामेंट जीतांगे। तुसीं तां दावा करता, लेकिन जिहड़े विपक्ष की टीम है कहिंदे आपां कड़ी टक्कर देवांगे इस बार, BBMB जित्त नहीं देना। तैयारी साडी पूरी है जी। हाँ, असीं पूरी टक्कर देवांगे। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਚੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, 11, 12, 13, ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ REC, BBMB ਆਪਣੀਆਂ, PGCIL, NHPC, SGVNL, 10 ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰਸੋਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਖੇਲ ਭਾਵਨਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਹਮ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਆਏ। ਸਰ ਕਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਪੀ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਖੇਲਣੇ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਘੁੰਮਣੇ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਿਆ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ PL ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੀ ਟੀਮ ਹੈ? NHPC ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸੇ ਹਮ ਲੋਗ, NHPC ਨੌਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ? ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਯੇ 28ਵਾਂ ਇੰਟਰ CPSU ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟੀਮ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਕਾ ਹਮਨੇ ਕੈਂਪ ਕੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜੈਸਾ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ BBMB ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਵਿਜੇਤਾ ਟੀਮ ਕੋ ਟੱਕਰ ਦੇਂਗੇ, BBMB ਕੋ ਟੱਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਕਿਆ ਸਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਯੁਵਾਓਂ ਕੋ? ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੀ ਹੈ ਯੁਵਾਓਂ ਕੋ ਕਿ ਵੀ ਖੇਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਉਤਾਰੇ, ਖੇਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਆਗੇ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਮਿਸਰਾ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਕੀ? ਝਾਰਖੰਡ ਸੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਸੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਆਪ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਕੋ ਲਗਤਾ ਆਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਤੋ ਸਰ ਟੀਮ ਆਪਕੀ ਆਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸੇ ਜੀਤਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੋ ਔਰ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਕੀ ਔਰ ਸੇ? ਇਹ ਗੇਮ ਚਲਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਨਮਸਕਾਰ।